अक्सर ही हम अलग अलग मुद्दों पर सियासी अटकलें देखते हैं जिसमें सरकार के प्रति अलग अलग ढंग से रोष व्यक्त किया जाता है। ऐसा ही एक अनोखा तरीका अमृतसर में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रतन सिंह चौक में लस्सी और दूध का लंगर लगाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने जो आदेश दिया है शराब की होम डिलीवरी का, उसके प्रति रोष जाहिर करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है इसमें शराब से ज्यादा दूध और दही की लोगों को ज्यादा जरूरत है। की नाम नहीं दड़ा? की नाम दड़ा? समीता। नीता जी की कहना चाहते हैं, की दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि राशन रोशन नहीं है, करे दूध दाद नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है, कर्जे ठीक है ना, काम कार भी नहीं है। सरकार तो यही है कि बस काम काज खोल दे, राशन करे करे दे सारे गरीबों। आज की लेना है दूध तो दही? कौन दे रहा है? गौतम अरोड़ा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या कहना चाहते हैं जो दूध बांट रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने सरकार में आने से पहले एक कसम गुटका साहब के हाथ में रख के सौंख खाई थी कि हम 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। बट नशा तो खत्म नहीं हुआ, नशा घर घर चले गया। आज पंजाब सरकार जो अपने फेलियर नंदेड़ साहब से श्रद्धालु आए हैं उनमें भी एकदम बिल्कुल फेलियर हुई। उनकी पंजाब सरकार की नाकामी कारण हमारे पंजाब में कोविड महामारी बहुत फैल गई, और आज पंजाब सरकार केंद्र से जद्दोजहद कर रही थी कि हमारे पंजाब में ठेके खोलने की इजाज़त दी जाए। जब ये इजाज़त नहीं मिली उन्होंने घर घर होम डिलीवरी करने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि सर कैप्टन साहब, आज की जरूरत शराब नहीं है, आज की जरूरत इस महामारी में दूध की, दही की, लस्सी की जरूरत है। जो हमारे पंजाब का इतिहास है, जो हमारे नौजवान का इतिहास है, आज की औरत वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, सबको इस दूध, दही, लस्सी और ग्रोसरी की जरूरत है, ना कि शराब की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कैप्टन साहब ये अपना फैसला वापस लेंगे, क्योंकि वो इस बात के खुद शौकीन हैं। हम आज ठेके के कैप्टन साहब के फैसले के विरोध में, उन्होंने जो फैसला किया है कि हम घर घर शराब की होम डिलीवरी करेंगे, उनके कैप्टन साहब के फैसले के विरोध में आज हम ठेके के बाहर शराब की बजाय लोगों की जो जरूरत की चीज़ है, जो हमारा इतिहास है पंजाब का, उसको बांट रहे हैं, दूध, दही, लस्सी। कितने लोगों को बांटा अभी? आज हमने करीब तकरीबन 200 लोग, आज देखो कि दूध, दही, लस्सी की इतनी जरूरत है कि हमारे एक आहान पे यहाँ लाइने पर लाइने लग गई हैं दूध लस्सी के लिए। आज हम इनको यहाँ पे देके जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी, जिस तरह सरकार ने घर घर होम डिलीवरी शराब की करने की कोशिश की है, उसी तरह हम घर घर दूध भी देकर जाएंगे। अमृतसर से कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।